नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना टालीपीप्स टीवी चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। बात कर रहे हैं आप सभी के पसंदीदा शो सुहागन की, इन जो जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है, मगर कुछ खबरें ऐसी आ रही है कि हो सकता है कि इसकी डेट को एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि ये शो जो है ना दर्शकों को काफी ज्यादा पसंद आ रहा है। खैर, ये तो रही ऑफ एयर होने और ना होने की और डेट एक्सटेंड होने की बात, मगर अब हम बता दें कि कहानी में चल क्या रहा है और आगे आपको क्या देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ आपको बता दें कि सीरियल सुहागन के आगे आने वाली ट्रैक में ना आपको कहानी थोड़ा उलझती हुई सी नजर आएगी, क्योंकि अब प्रभा भी पहुंच गई है शर्मा निवास में ही, और अब कोयल और प्रभा दोनों एक ही छत के नीचे हैं, यानी दो सौतनों की लड़ाई शुरू हो गई है। लेकिन इसी बीच हमारे वेदांत को लेकर जो है जंग छिड़ने वाली है कोयल और प्रभा के बीच, कि वेदांत मेरा बेटा है और मैं उसकी माँ हूँ। और यहाँ पर जो है कोयल जो है वो ये साबित करती है कि नहीं, तुमने सिर्फ उसे जन्म दिया है, वो है मेरा बेटा। और यहाँ पर ना कोयल बहुत मतलब कोशिश करती है कि प्रभा को इतना नीचा दिखाया जाए, इतना गलत सलत बोला जाए, उसको सब लोग हेट करें, कोई भी उसके साथ लगाव ना रखे। तो यहाँ पर जो है कोयल अपनी इस कोशिश में लगी हुई, तो दूसरी कोशिश में प्रभा जो है खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही है कि सालों पहले कैसे कोयल ने क्या कुछ किया था। तो कोयल के राज पर से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है, मगर कोई भी प्रभा की बात पर भरोसा नहीं कर रहा है। तभी वेदांत बीच में आता है, क्योंकि वेदांत को लेकर भी यहाँ पर काफी ज्यादा झगड़े हो रहे होते हैं कोयल और प्रभा में। तो यहाँ पर वेदांत बहुत तेज चीखता और चिल्लाता और कहता है कि बस आप दोनों चुप हो जाइए, हम बताते हैं कि क्या सही रहेगा। हम जो है ना यहाँ पर ना तो कोयल माँ के पास रहना चाहते हो, ना ही प्रभा माँ के पास, हम अकेले रहना चाहते हो, और प्लीज अभी हमसे कोई कुछ भी बात ना करे। और फिर जो है ना वेदांत जो है बहुत ज्यादा इमोशनल होकर चला जाता है। तो कोयल बहुत ज्यादा, जो प्रभा है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है अपने बेटे को ऐसे देख के। तो वही कोयल यो सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वेदांत पर प्रभा की बात का कोई असर हो रहा है, नहीं अगर ऐसा हो गया तो मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर कोयल कोशिश करती है कि वेदांत से अकेले में मिली और उसे फिर से मैनिपुलेट करे और प्रभा के खिलाफ उसे भड़काए। लेकिन उससे पहले वहां स्वरा पहुंच जाती है, और स्वरा जाकर जो है कुछ कुछ ऐसी चीजें दिखाती है वेदांत की जो कि प्रभा के पास होती है, और प्रभा के प्यार को साबित करती है कि वो तुमसे कितना प्यार करती है। तो वेदांत धीरे धीरे ना प्रभा की तरफ झुकने लगा है। तो गाइस, लग रहा है कि स्वरा का जो प्लान है ना वो धीरे धीरे कामयाब हो रहा है। तो बहुत मजेदार होने वाला है गाइस सीरियल का आगे आने वाला ट्रैक, जरूर देखिएगा।